एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल चैप्टर नंबर 8 की वो हम डिस्कस करेंगे कि हमें इक्वेशन गिवन है कि अगर 2 मोल आपके पास ए है और 1 मोल बी है, इससे कोई भी जो है वो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है और वो क्या बना, 1 मोल सी बन रहा है। इनिशियल अमाउंट आपको बताएगी, शुरू में हमें पता रिएक्टेंट्स होते हैं तो शुरू में जितना ए है और जितना बी है वो हमें बताया हुआ है, और इक्विलिब्रियम पे ये तीनों कितने कितने होंगे ये हमें बताया हुआ है। इक्विलिब्रियम पे ए बी और सी तीनों की कंसंट्रेशन हमें क्या है भला गिवन है, और हमसे पूछा हुआ है कि केसी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताएं कैलकुलेट करें। तो इसके लिए फार्मूला हमें पहले इक्वेशन को, बैलेंस इक्वेशन को देख के हमें केसी के लिए फार्मूला लिखना आना चाहिए कि जो प्रोडक्ट होता है हमें राइट साइड पे जो प्रोडक्ट है सी इसकी कंसंट्रेशन और जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन से क्या कर देना है आपने, डिवाइड कर देना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है भला कि ये रेशियो होती है हमारे पास प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो, जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और उसको डिवाइड करते हो आप किसके साथ भला, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे ए के शुरू में कितना है भला ये जितना यहाँ पे जो कोफिशियंट होगा वो एक्सपोनेंट बन जाएगा यहाँ पे, जहां 2 है तो इसके टॉप राइट कॉर्नर पे आपने 2 लिख देना, 3 होगा तो आपने क्या लिख देना भला 3 लिख देना। अब ये तीनों वैल्यूज, एक ये सी की वैल्यू कितनी है 0.15, ए की वैल्यू 0.20 और बी की वैल्यू 0.45, तो इन तीनों को आपने अब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने पहले फार्मूला लिखे, फार्मूला लिख के ये जो इक्विलिब्रियम पे तीनों वैल्यूज हैं ये आप यहाँ जो है वो सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो न्यूमेरिकल, दूसरी जो एग्जांपल है चैप्टर नंबर 8 की, उसमें हमें केसी गिवन है और टेम्परेचर गिवन, क्या क्या भला केसी गिवन है और क्या भला जो हमारे पास टेम्परेचर है ये हमें गिवन है, और हमें आर की वैल्यू जो है ये जबानी याद है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ये हमें जो है, और हमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें केसी टेम्परेचर और आर की वैल्यू पता है और हमने केपी की वैल्यू क्या करनी है भला फाइंड करनी है। ओके, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अमोनिया फॉर्मेशन के बारे में, वो बता रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है हमारे पास ये जो है ये अमोनिया के प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट्स हैं। हमें पहले रिलेशन जानना है, केसी जो हमें गिवन है तो केपी की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए भला फार्मूला चाहिए। तो याद रखें केपी किसके इक्वल होता है, इसके लिए आपको पहले नंबर पे केसी का पता हो, दूसरे नंबर पे आपको आर की वैल्यू और तीसरे नंबर पे आपको क्या पता होना चाहिए टी, मतलब आर आपको जबानी याद है, टेम्परेचर आपको दिया हो, केसी दिया हो, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ मोल्स में जो चेंज है ये भी, डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स में चेंज, और नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कैसे पता लगता है, डेल्टा एन कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इसमें से आपने क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को माइनस कर देना है, तो डेल्टा एन किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास 2 है प्रोडक्ट के, 4 है ये 3 और ये 1, तो 4 किसके हैं भला रिएक्टेंट्स के, तो ये -2, तो ये चारों वैल्यूज केसी की वैल्यू ये है बेटे आपके पास, ये केसी की वैल्यू, आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, टेम्परेचर आपको 500 दिया हुआ है, आप इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 773 केल्विन बन जाएगा, तो आपने ये वैल्यूज यूज करनी है, तो यहाँ से ये वैल्यू केपी की आ गई, केपी का फार्मूला याद करना है आपने, आर की वैल्यू आपको जबानी याद रखनी, केसी और टेम्परेचर आपको गिवन है, जो टेम्परेचर गिवन है उसे केल्विन बनाएं, केसी की वैल्यू यूज करें और डेल्टा एन इस इक्वेशन से पता लगा लें, तो यहां से जो वैल्यू केपी की आई है ये कम है केसी से। याद रखें जब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कम होते हैं, रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त केपी की वैल्यू कम होती है और केसी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब इसके उल्ट सोच लो कि जब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे तो देन क्या होगा, KP greater than KC, और जब आपके पास number of mole में change नहीं होगा, दोनों equal होंगे, तो तब KP और KC क्या होंगे वाला equal हुआ करते हैं। Alright, अब हम तीसरी example को जो है वो discuss करते हैं। Third का chapter number 8 का जो numericals हम solve कर रहे हैं, इसमें हम third example की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले क्या है वाला acetic acid, इसमें हम ethanol डाल रहे हैं।
ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH हो तो हम इसको क्या कहते हैं भला, एस्टिक एसिड। और ये इथाइल ग्रुप है C2H5, इसके साथ OH हो तो हम इसे एथानोल जो है वो कहते हैं। तो हम एस्टिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड में हम अल्कोहल डालते हैं तो हमें पता है एस्टर्स बनते। हुआ क्या है, ये OH और ये H मिलके क्या बन गया वाला, वाटर। और जहां से ये H हटा है वहां ये इथाइल ग्रुप आ गया, ये C2H5, तो इसको हम इथाइल एसीटेट कहते हैं। ये एस्टर फैमिली जो है वो उसे बिलोंग करता है। तो अब हमने पता लगाना है KC की वैल्यू, और हमें चार चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। क्या क्या बताया हुआ है, एस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बताई हुई है, एथानोल की कंसंट्रेशन बताई हुई है, और ये जो इथाइल एसीटेट है इसकी कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन। मतलब हमें पता है केसी के लिए फार्मूला कैसे लिखना है। आपने जो राइट साइड पे है ये पहले इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अ वाटर, इसको आप डिवाइड किससे करोगे, एस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एथानोल। अब इन चारों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो पहले हम बात करते हैं किसकी वाला, कि इथाइल एसीटेट की कितनी वैल्यू है, कितनी कंसंट्रेशन है। तो 0.05 ये हम जो है वो इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, कितनी है भला 0.05। और उसके बाद कंसंट्रेशन वाटर की चाहिए जो गिवन है हमें, कितनी है भला 0.04। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन एस्टिक एसिड और इनटू एथानोल। तो एस्टिक एसिड हमारे पास कितना है 0.025, ये भी हमें गिवन है, और जो कंसंट्रेशन है हमारे पास किसकी वाला, एथानोल की इक्विलिब्रियम पे 0.032। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास केसी की जो वैल्यू आएगी वो 2.5 जो है वो आएगी। और हमें ये बताया हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर 25 पे देखें तो इसी रिएक्शन के लिए केसी होना कितना चाहिए भला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कितना होता है भला 4 होता है। मतलब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस वक्त हमने केसी की वैल्यू निकाली है उस वक्त ये क्या आई है भला, गिवन वैल्यू से क्या है भला कम है। और हमने ये कहा था कि इसको अगर हम क्यूसी कह दें, हमने ये कहा कि अगर QC हो लेस देन किससे वाला, KC से। अगर QC जो होता है वो KC से क्या होता है वाला कम होता है, तो हमें पता है जो रिएक्शन है वो उस वक्त किधर चल रहा होता है, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो 2.5 है, जो कि थोड़ी है किससे वाला 4 से। इसका मतलब है जिस वक्त हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं जब ये वाली कंसंट्रेशंस हैं तो तब रिएक्शन किधर जा रहा होता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। जब हमने ये सॉल्व किया है तो इस वक्त रिएक्शन किधर चल रहा है भला, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4।